गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। कल हमने आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखे थे, आगे के क्वेश्चंस आज देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ह्यूमर, सेकंड इन्फॉर्मिंग, थर्ड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स एंड लास्ट रिफ्लेक्शन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ये जो है ये थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, इन विच कंडीशन ओरल पील्स शुड नॉट बी गिवन टू अ वुमन। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम वुमन को ओरल पील्स नहीं देते। तो फर्स्ट ऑप्शन वजाइनल इन्फेक्शन, सेकेंड अस्थमा, थर्ड हाइपरटेंशन एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वजाइनल इन्फेक्शन। इस कंडीशन में हम वुमन को ओरल पिल्स नहीं देते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रॉडमन एरिया नंबर दैट करस्पॉन्ड्स टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज। फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकेंड 17, थर्ड 41 एंड लास्ट 4। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 17। ये क्या है, ब्रॉडमन एरिया नंबर जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को करस्पॉन्ड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैम्पलिंग कुड बी इफेक्टिव ड्यूरिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम इन अ डिफिकल्ट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन रिसर्च। ऐसी कौन सी सैम्पलिंग है जो इफेक्टिव है सैम्पलिंग फ्रेम में और वो थोड़ी डिफिकल्ट भी है आइडेंटिटी सर्च कर। देन ऑप्शन नंबर ए कोटा, ऑप्शन नंबर बी कन्वीनियंट, ऑप्शन नंबर सी परपोजिव एंड लास्ट स्नोबॉल। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, स्नोबॉल। ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है ये रिसर्च में इफ़ेक्टिव होती है और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मैक्रो मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली। कौन सा मिनरल है जो बॉडी को वर्क करने के लिए यूज़फुल रहता है। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी लीड एंड ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। एंड करेक्ट ऑप्शन इज़ कैल्शियम, क्योंकि गोल्ड हमारे बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। देन सिल्वर भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता, उसके बाद लीड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बचा है कैल्शियम, ये हमारे बोन्स और टीथ के लिए इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज का मेजर कॉज कौन सा है ये पूछा है। तो पोस्टपार्टम हैमरेज मीन्स क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी मदर को विद इन 24 आवर्स या फिर 24 आवर्स के बाद अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल है तो 500 ml के ऊपर और सीजेरियन है तो 1000 ml के ऊपर अगर मदर को ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पोस्टपार्टम हैमरेज, जो प्यूपेरियम पीरियड में ब्लीडिंग होती है आफ्टर द डिलीवरी। ऑप्शन नंबर ए अटोनिक यूटेरस, ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर सी प्रीक्लाम्शिया एंड ऑप्शन नंबर डी इनकोऑर्डिनेट यूटेराइट एक्शन। एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अटोनिक यूटेरस। अटोनिक यूटेरस जो है वो मेजर कॉज है पीपीएच का,
मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज का मेजर कॉज क्या है? अटोनिक यूटेरस, जिसमें यूटेरस अपने प्रीवियस शेप में नहीं जाता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैसिलस कैल्मेटिक ग्लूरिन BCG? ये क्या है? वैक्सीन है एक, जो हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं एट बर्थ। देन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन टॉक्सॉइड, सेकेंड इम्यूनोग्लोबुलिन, थर्ड लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, एंड लास्ट कील्ड वैक्सीन। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। क्या? BCG कब देते हैं? एट बर्थ देते हैं, और इसमें क्या है, ये क्यों देते हैं? हमें TB से प्रिवेंट करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कन्वेंशन आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंस? स्फेरिकल मिरर्स और लेंस के लिए कौन सा कन्वेंशन यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं? तो फर्स्ट है न्यू आइंस्टाइन साइन, सेकेंड न्यू कार्टेशियन साइन, थर्ड न्यू हैगन साइन, एंड लास्ट न्यू न्यूटन साइन। एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, न्यू कार्टेशियन साइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्लस्टर सैम्पलिंग, सेकेंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड सेटिस्फाइड रैंडम सैम्पलिंग, एंड लास्ट कोटा सैम्पलिंग। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या है? उसे क्या कहते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कह सकते हैं कोटा सैम्पलिंग को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज फिटल ब्रेन डिसऑर्डर्स दैट आर कॉज्ड बाय द प्रायर प्रोटीन? कौन सा ब्रेन डिसऑर्डर है फिटल के लिए, जो प्रायर प्रोटीन की वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन पिक्स डिसीज, सेकेंड मैड काउ डिसीज, थर्ड क्रूड्सफेल्ड जैकब डिसीज, एंड लास्ट लेवी बॉडी डिसीज। एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्रूड्सफेल्ड जैकब डिसीज। ये डिसीज फीटल ब्रेन डिसऑर्डर है, और ये क्यों, कब, किसकी वजह से होता है? प्रायर प्रोटीन की वजह से होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज? रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 182 mg पर dl, सेकेंड 188 mg पर dl, थर्ड 185 mg पर dl, एंड लास्ट 180 mg पर dl। एंड करेक्ट ऑप्शन इज 182 mg पर dl। ये जो है ग्लूकोज की वैल्यू है इन रेनल थ्रेशोल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिस्क फॉर इन्फेक्शन इन नर्सिंग डायग्नोसिस? ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें रिस्क फॉर इन्फेक्शन इन नर्सिंग डायग्नोसिस देता है? तो फर्स्ट वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, सेकेंड डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, एंड लास्ट एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हमें पूछा है रिस्क इन्फेक्शन के रिलेटेड, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन्फेक्शन क्या है, रिस्क है जो हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट को हो सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉज क्लिपनर सिंड्रोम? ऑप्शन नंबर ए XO, ऑप्शन नंबर बी XYY, ऑप्शन नंबर सी XX,
ऑप्शन नंबर डी एक्स एक्स वाई, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी एक्स एक्स वाई। इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमो जो है वो एक्स्ट्रा का होता है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिक टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है डिप्टेरिया। डिप्टेरिया के लिए स्टिक टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, और डिप्टेरिया डायग्नोस कैसे होता है, स्टिक टेस्ट की वजह के हेल्प से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा है, इलियम, जेजेनम, ड्यूडेनम, अपेंडिक्स। 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलियम। अब हमें अपेंडिक्स भी लग सकता है, तो अपेंडिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा है, इलियम, ऑप्शन नंबर ए।